কয়লা খাদান শ্রমিক কংগ্রেস বা কেকেএসসির কর্মী সমর্থকদের হাতে হেনস্থার শিকার হলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের সহসভাপতি বিষ্ণুদেব নুনিয়া। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে ইসিএল এর ঝাঁঝরা কয়লা খনি প্রকল্পের দপ্তরের বাইরে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ইসিএল এর কর্পোরেট ওয়েলফেয়ার কমিটিতে সংযুক্তিকরণের দাবিকে সামনে রেখে এদিন ঝাঁঝরা প্রকল্পের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিলেন কেকেএসসির কর্মী সদস্যরা। সেই সময় বিষ্ণুদেব বাবু সেখানে উপস্থিত হন। ঝাঁঝরা অফিসের ভেতর তখন ইসিএল এর পাঁচটি স্বীকৃত ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা মিটিং করছিলেন। বিষ্ণুদেব বাবু সেই মিটিংয়ে যোগ দেবার জন্য সেখানে পৌঁছতে গেলে কেকেএসসির কর্মীরা তাকে বাধা দেন বলে অভিযোগ। এমনকি গাড়ির চালক মোহাম্মদ সিরাজকে শারীরিকভাবেও নিগৃহীত করা হয়। বিষ্ণুদেব বাবুর গাড়ির কাঁচও ভেঙে দেওয়া হয়। তবে কি কারণে তার উপরে এই আক্রমণ সে ব্যাপারে কিছুই জানাতে পারেননি বিষ্ণুদেব বাবু। বিষয়টি তিনি দুর্গাপুর ফরিদপুর থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে কেকেএসসির ঝাঁঝরা প্রকল্পের সাধারণ সম্পাদক বিন্দুদেব যশ বলেন, ইসিএল এর প্রায় 80-90% কর্মী তাদের সংগঠনের সদস্য, অথচ তাদের ইউনিয়নের কোনো স্বীকৃতি ইসিএল দেয়নি। দীর্ঘদিন ধরেই তারা ব্যক্তিগতভাবে এই দাবি নিয়ে লড়াই চালাচ্ছেন, সে ব্যাপার নিয়ে আজ আন্দোলন চলছিল। তখনই বিষ্ণুদেব বাবু সেখানে আসেন। তিনি যে জেলা পরিষদের সহসভাধিপতি সেটা কেউই জানতেন না, কারণ বিষ্ণুদেব বাবুকে তারা কেউই চিনতেন না। তাকে কেউ না চিনলেও কেউই তাকে হেনস্থা করেননি বলে জানান বিন্দুদেব যশ। ঘটনার জেরে কিছুটা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে ঝাঁঝরা এলাকায়। মানে আমি গাড়ি লেকে যা রে থে জালা জি কো লেকে যা রে থে আমি वहां তো পৌঁছে তো পহলে বড়া গাড়ি ঘুমা লো এন টেন করনে কে বাদ উসকে বাদ ঘুমা রে জেসি গাড়ি খাড়া কি ঘুমা কে উসকে বাদ আকে মারনা শুরু কর দিয়া তো ঝাঁঝরা এরিয়া অফিস কে সামনে যা মারা আর ইয়া फिर वहाँ से गाड़ी लेके चले आए आगे। गाड़ी में बंद वो हेडलाइट का वो सामने वाला नीचे वाला दोनों टूट गया। बोर्ड मीटिंग का पूरी कंपनी देख पाए होते हैं तो कल झांझरा का जो है बोर्ड मीटिंग का डेट था वेलफेयर बोर्ड, तो मीटिंग जो है जीएम सर कॉल करते हैं, कोई भी अधिकारी कॉल करता है, उसी सिलसिले में हम लोग गए हुए थे। तो हमको क्या पता है कि वहाँ क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। हम जैसे ही झांझरा एरिया ऑफिस तरफ गाड़ी रुकाए वैसे जो है कुछ आदमी आकर के नाम आ जा रहा है मैं, तो आकर के धाय धाय दो चार लात गाड़ी पर मार दिया, उसमें ड्राइवर को गेट खोल के दो चार झापट मार दिया। हमको भी मारने की कोशिश किया लेकिन लड़का था बीच में खड़ा हो गया, उसके बाद सब लोग पीछे हट गया, फिर मारने पूरा गाली गलौज पूरा किया। मतलब कौन पार्टी का था सब? पार्टी तो देखिए पार्टी क्या बोली, पार्टी तो हम ही लोगों का है, क्या बोलेंगे, केकेएससी फॉलोअर्स था सभी। और पता नहीं वहाँ तो पांच पांच बोर्ड के मेंबर हम लोग थे, सिर्फ मेरी गाड़ी पर ही हमला किया और कि नहीं देखे बोल नहीं सकते हम तो, कारण बोल नहीं सकते, जो लोग किया है या जो करवाया के करवाया पता नहीं। तो इसीलिए बहुत दुखद घटना है, तीव्र निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऐसे मेंबर सब था, अच्छा, जो मीटिंग में हम देखे ये झमेला होने के बाद जीएम साहब बहुत रिक्वेस्ट किए बुलाए, हम लोग तो आ रहे थे लेकिन पीएम आकर के रास्ता में खड़ा हो गए। जीएम साहब बोले नहीं आज ये 5 मिनट के लिए, तो गए तो केकेएस के लोग भी थे, तो हमको तो लगा नहीं क्या डिमांड है नहीं डिमांड है पता नहीं। एक तो लिस्ट है तो डायरी लाते रहे गाड़ी का, दोनों गाड़ी लगाते हैं, लिस्ट है किस एरिया में कितना रुपया हम लोग देते हैं बोर्ड, जितने भी रुपया आपका वेलफेयर में खर्चा होता है टोटल बोर्ड के माध्यम से ही होता है, टोटल बोर्ड बैठ करके हम लोग सिलेक्शन करते हैं किस एरिया में कितना क्या क्या किया जाए। और झांझरा को भी हम लोग पैसा ढेर सारे पैसा दिए। विष्णुदेव नुनिया हमारा जो जिला परिषद का मेम्बर है, जिला परिषद जो पोस्ट होल्ड करता है, उनको हम लोग को कोई जान पहचान नहीं है, चिंता भी नहीं है, हमारा कोई जानता नहीं है। तो हमारा दो एक साथी बाद में देखा तो यह है, हम लोग सबको जैसे घुमा रहा था, हम लोग बोला कि इंस्पेक्शन आज नहीं होगा, आप लोग लड़ जाइए। तो उनको उचित था, वो यदि हमारा तृणमूल का नेता है तो उनको उचित था कि ये हम लोग का सर बात करें अपना परिचय देने से, तो हम लोग उसको स्वागत करता कि हाँ आप हमारा साथ बोले। और हमारा जो समस्या है, हमारा ट्रेड यूनियन का जो मूल मुद्दा था, तो वो लोग क्या यहाँ घुस पाता नहीं पाता, हम लोग खराब व्यवहार किसी का साथ नहीं किया है, हम लोग बोला कि आप लोग को रुक जाइए आप लोग मत आइए। लेकिन जब हमारा इंस्ट्रक्शन आया, सिंह जी हमको डांटा, नरेंद्र हमको डांटा कि घुसने क्यों नहीं दे रहा है,
तो आप जाके बोला ठीक है, साहब लोग को बोला ठीक है आप लोग जाके उसको रिसेप्शन कीजिए, लेकिन इंस्पेक्शन हम लोग करने नहीं देगा जब तक हमारा यूनियन का साथ कोई फैसला नहीं होगा। और जो विष्णुदेव मुनिया जी है तो उनको तो जो तृणमूल, अगर वो तृणमूल सही माने में है तो हम लोग तृणमूल का झंडा लेके है, उसका अपना परिचय देना चाहिए। वो HMS करता है, ठीक है वो HMS करता है, HMS का, लेकिन उसको तो हम लोग कॉरपोरेट मेंबर के सोचे, यहाँ कोई हमारा जानता नहीं है कि वो विष्णुदेव मुनिया है। वो यदि अपना परिचय दे देता तो कितना अच्छा होता, तो हम लोग उसके साथ अच्छा से ये करता थे। लेकिन वो बोला कि सबको, किसी के साथ बेइज्जती नहीं हुआ, सबको बोला कि आप लोग लड़ जाइए, हम लोग ये करने लगे, ये है बात। इसका छोड़ के तो आप दूसरा कोई बात नहीं है। दुर्गापुर थेके सनातन गौड़ा एर रिपोर्ट, टीवी न्यूज 10। সুলভে সঠিক চিকিৎসার একমাত্র প্রতিষ্ঠান বিবেকানন্দ হসপিটাল, 24 ঘন্টা ইমার্জেন্সি সার্ভিস, ব্লাড ব্যাংক, ট্রমা কেয়ার, আপনাদের সেবায় আমরা তৎপর। গুণমান ও পরিষেবায় দুর্গাপুর বিধাননগরের ডক্টর জাকির হোসেন এভিনিউর বিবেকানন্দ হসপিটাল শিল্পাঞ্চলের মানুষের মন জয় করেছে। বাইকের স্বপ্ন আপনার ভরসা আমরাই, আনিস টিভিএস। আনিস টিভিএস নিয়ে এলো বাইক কেনার সুবর্ণ সুযোগ। যে কোনো টিভিএস টু হুইলারের সাথে পাচ্ছেন নিশ্চিত আকর্ষণীয় উপহার। এছাড়াও থাকছে ফ্রি পেট্রোল, ফ্রি হেলমেট, ফ্রি সিট।